सो ये गाइस कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस आ गए हो एक बहुत ही बड़ी खबर लेके। तो गाइस अगर आप भी हो जो जिली ऐप या स्नैक वीडियो ऐप यूज कर रहे हो अभी भी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको ऐसा जानकारी दूंगा जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि टिकटॉक जो बैन हुआ है, और मतलब 59 ऐप जो इंडिया में बैन हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये अपने पर्सनल डाटा को हैक कर रहा था जिसकी वजह से इसको बैन किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने वीडियो और जिली ऐप जो है, ये दोनों ऐप चाइनीज ऐप है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये स्नैक वीडियो ऐप है, इसका जो ऑनर है, मतलब जो वीडियो ऐप है, सॉरी गाइस, ये जो ऐप है वो है सिंगापुर का, आपको पता ही होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बात की जाए स्नैक वीडियो ऐप विच द कंट्री की, तो प्ले स्टोर में जब आप स्नैक वीडियो ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी ओपन करेंगे, तो उसमें जोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जो सिंगापुर की रजिस्टर्ड कंपनी है, तब आप आसानी से समझ गए होंगे कि यह ऐप सिंगापुर का है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह स्नैक वीडियो ऐप चाइना का है ही है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने जब स्नैक वीडियो ऐप ऑनर का नाम सर्च किया, तो उसमें सच्चाई सामने आ गई और उसमें दो फाउंडर के नाम आए जो इस प्रकार का है। पहला नंबर जो है गॉर्डन सन, यह फाउंडर, और दूसरा नंबर सन्नी व्यू, ये सीईओ। इनमें से एक चाइना के और दूसरे अमेरिका के हैं, लेकिन इसके मैन फाउंडर गॉर्डन सुन चाइना के हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग इसे आपको मतलब कंफर्म हो गए होंगे कि ये जो ऐप है वो चाइना का ऐप है, स्नैक वीडियो ऐप। आप कहोगे जिली ऐप का प्रूफ दिखाइए, तो गाइस जिली ऐप का भी प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने सर्च किया था जिली ऐप विच द कंट्री, तो मैंने इसको सर्च किया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर जिली ऐप इज चाइना इन 2019। तो गाइस आपको पता ही होगा ये 2019 में ये ऐप बना था, और चाइना बेस्ड टेक कंपनी का ये स्वामी, ये कंपनी का ये है स्वामी फॉर्मली लॉन्च्ड द चाइनीज ऐप। तो ये भी एक चाइनीज ऐप है, ये भी आपको प्रूफ हो गया होगा। और मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप जाके गूगल कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐप अगर अभी भी आप यूज करते हो, तो हो सकता है कि आपका भी डाटा ये हैक करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपका पर्सनल डाटा को हैक कर सकता है और दूसरे देश में इसको मतलब भेज सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये ऐप को आप यूज ना करो। अगर आप ऐप यूज करना चाहते हो, अभी भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऐप बन गया है। रोपोसो ऐप है, MS टकाटक ऐप है, और गाइस सबसे बड़ा जो इंस्टाग्राम रील्स, ये सब पे आप वीडियो बना करके ट्राई कर सकते हो। यही आज का जानकारी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।